और दोस्त कैसा हाल है। WWE अपडेट्स हिंदी के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। गाइस अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि WWE के हर एक अपडेट्स आप लोगों के पास पहुंच सके सबसे पहले। सो गाइस आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पांच ऐसे सुपरस्टार जो 2018 ड्राफ्ट में अपना ब्रांड चेंज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन कौन सा सुपरस्टार लगता है कि 2018 ड्राफ्ट पिक में अपने ब्रांड चेंज करेंगे। सो गाइस WWE ने 2017 को ड्राफ्ट किया था और इसके बाद दोनों ब्रांड के बीच कुछ सुपरस्टार के लिए ट्रेड हुआ जिनमें डीन एम्ब्रोस और केविन ओव्स जैसे सुपरस्टार अपना ब्रांड चेंज करते हुए दिखाई दिए। अभी र्यूमर्स आ रहा है कि ब्लैक फ्लैश के पेपर व्यू के पहले हमको फिर से WWE ड्राफ्ट 2018 देखने को मिल सकता है जहाँ रॉ और स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर और कमिश्नर एक के बाद एक ड्राफ्ट पिक करेंगे। हालांकि कुछ सिलेक्टिव सुपरस्टार ही होंगे जो अपने ब्रांड चेंज करते हुए दिखाई दे सकते हैं और कुछ सुपरस्टार के बीच में ही शायद ड्राफ्ट पिक हो। सो बस ये रहे पांच सुपरस्टार जो 2018 ड्राफ्ट में अपने ब्रांड चेंज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। नंबर 5 सेथ रॉलिंस। गाइस सेथ रॉलिंस 2017 ड्राफ्ट पे सबसे पहले नंबर पर पिक किए गए थे और इसके बाद से ही सेथ रॉलिंस रॉ ब्रांड में है और सेथ रॉलिंस को इतना मौका भी नहीं मिल रहा, इसलिए शायद सेथ रॉलिंस स्मैकडाउन के ब्रांड में चले जाए जहां सेथ रॉलिंस WWE चैंपियनशिप बेल्ट की चेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। नंबर 4 रैंडी ऑर्टन। द वाइपर रैंडी ऑर्टन भी दिखाई दे सकते हैं स्मैकडाउन ब्रांड से रॉ ब्रांड में और स्मैकडाउन में उन्हें अभी मिडकार्ड में ही रखा है तो शायद रॉ ब्रांड में ट्रेड होने के बाद हमें कुछ अच्छा फ्यूड देखने को मिल जाए। नंबर 3 समोआ जो। सो गाइस स्मैकडाउन के पास स्टार पावर की काफ़ी कमी है और समोआ जो अभी इंजर्ड है और इंजरी से लौटते ही उन्हें एक फ्रेश स्टार्ट मिलना जरूरी है तो इसलिए शायद समोआ जो को हम ड्राफ्ट पिक में स्मैकडाउन रोस्टर में देख ले और इसके बाद स्मैकडाउन के पास भी स्टार पावर की कमी नहीं होगी। नंबर 2 ब्रॉक लेसनर। सो गाइस ब्रॉक लेसनर के लिए रूमर्स है कि वे रेसलमेनिया में अपना यूनिवर्सल टाइटल हारने के बाद वे WWE में रुकते हैं तो ब्रॉक लेसनर को स्मैकडाउन ब्रांड में हम लोगों को दिखाई दे सकते हैं जहां WWE प्लान कर रहा है कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लेशली का फ्यूड स्टार्ट करने के लिए। नंबर 1 बॉबी लेशली। सो गाइस जैसा मैंने पहले कहा कि WWE प्लान कर रहा है कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लेशली का फ्यूड स्टार्ट करने के लिए सो गाइस इसके लिए बॉबी लेशली को भी स्मैकडाउन ब्रांड में होना जरूरी है ताकि उन दोनों के बीच राइवलरी स्टार्ट हो सके। सो गाइस इसके लिए लगता है कि बॉबी लेशली भी स्मैकडाउन में दिखाई दे सकते हैं ड्राफ्ट पिक में। सो गाइस आज के अपडेट्स में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और WWE अपडेट्स हिंदी को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि WWE के हर एक अपडेट्स आप लोगों के पास पहुँच सके सबसे पहले। Hold me close till I get up.